हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी सिंपल प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ज्यादातर केसेस में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू होता है, बट कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें रेस्पिरेशन होता है बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बेस पर दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन में जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है किससे, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। ठीक है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, वो साइट है जहां पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, फिर पाइरूवेट का, और उसके बाद मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर रहता है। अब आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन कम होने पर या बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे यीस्ट है या कुछ एक बैक्टीरिया है जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, जो खाना है हमारा उसमें ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर पाइरूवेट में जाते हैं और फिर डायरेक्टली पहुंचते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, उसके साथ एनर्जी। बट एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से कम आपकी प्रोड्यूस होती है। अभी आपने पढ़ा रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एनएरोबिक में आपका बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, यानी दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि ब्रेक डाउन होना है ग्लूकोज का। कैसे होता है, ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं, टूट के वो 3 एटम्स वाले पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 3 तरह से आपका ब्रेकडाउन होता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ एनर्जी। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका यीस्ट में जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंस होती है तो बनता है इथेनॉल, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा आता है मसल सेल्स में आपका, जहां ऑक्सीजन का लैक होता है, कम होती है, तब आती है, बनता है लैक्टिक एसिड, उसके साथ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन में कुछ एक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं और मेन उसमें है नोज, ट्रैकिया जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला ऑर्गन है नोज। अब एयर कहाँ जाती है, नेजल पैसेज में। जो नेजल पैसेज है उसके अंदर लाइनिंग होती है हेयर की और म्यूकस की। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो नोज के अंदर रहता है। ठीक है, जब एयर नेजल पैसेज के अंदर पास ऑन करती है तो जो डर्ट पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं एयर में, वो जाकर ट्रैप हो जाती है वहीं एयर में और म्यूकस में, और जो आपकी क्लीन एयर है वो हमारा जाता है लंग्स में।
अब नोज से होता हुआ एयर कहाँ जाती है? वो पहुंचती है फेरिंग्स में, फिर वहां से पास होकर पहुंचती है विंड पाइप में, जिसका दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। ठीक है, अब इस ट्रैकिया में उसके चारों ओर सॉफ्ट बोन्स की रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसे कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो एयर पास होकर जा रही है वो एक पतली सी सॉफ्ट ट्यूब है, तो वो कोलैप्स ना हो इसी वजह से उसके चारों ओर रिंग्स बना रखे हैं। ठीक है, अब ट्रैकिया कहाँ है, वो जाता है पूरे नेक में होते होते वो आगे जाकर डिवाइड हो जाती है दो ट्यूब्स में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंकस में, और फिर और छोटी ट्यूब्स में उसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक, उसके बाद वो पहुंचता है लंग्स में। लंग्स कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, और उसके नीचे होता है डायाफ्राम। अब एयर हमारी नोज से होते हुए विंड पाइप से होते हुए ब्रोंकाई में पहुंचती है, ब्रोंकाई जो होती है उसके बाद वो कन्वर्ट होकर पहुंचती है छोटी छोटी ट्यूब्स, जिन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के एंड में एयर सैक होते हैं, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होती हैं, ठीक है, और उसके चारों ओर बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब आपको पता है कि जितने भी सेल्स हैं उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पतली होती है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी चीज, कुछ एक चीजें आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, दूसरे डायग्राम में देखो, उसके साथ दे रखा है एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें देखो, ब्लड कैपिलरीज यानी ऑक्सीजन पहले एल्वियोलाई से इनहेलेशन के थ्रू आया और फिर वो पहुंच गया ब्लड में। अब ब्लड से वो दूसरे सेल्स में जाकर वहां पर ये हर एक सेल्स में देके ऑक्सीडेशन करा के उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड से होते हुए वो पहुंचता है एल्वियोलस में, फिर वो एल्वियोलाई से होते हुए फिर ब्रोंकियोल से होकर ब्रोंकाई से होकर फिर विंड पाइप फिर नोज से होते हुए बाहर आता है, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रह गई, वो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये आपका ब्रीदिंग के दो फेसेस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनहेलेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एयर को लंग्स तक अंदर तक जाना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायफ्राम जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फ्लटन हो जाता है, नीचे चला जाता है, डायग्राम में दिख रहा है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, और एक्सटर्नल जो कोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इसकी वजह से जो आपके लंग का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, आपकी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। दूसरा आता है एक्सहेलेशन, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो एयर है वो माउथ लंग से होकर वापस माउथ से बाहर आता है, नोज से बाहर आ जाता है, ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, जस्ट अपोजिट है इनहेलेशन का, ठीक है, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो लंग का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पुश्ड होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन कुछ और एनिमल्स में भी होते हैं, नेचुरल है, जो लिविंग है उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, अमीबा जो है वो सिंगल सेल है, तो जो भी चीजें होती हैं वो सेल के अंदर ही होता है,
ठीक है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होता है। फिर आता है अर्थवर्म, यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो स्किन के थ्रू होती है। तो अर्थवर्म क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रेस्पिरेशन में थ्रू मॉइस्ट स्किन। ठीक है, जो आपकी फिश है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए, उसे गिल्स बोलते हैं। ठीक है, और हेड के दोनों साइड आपके गिल्स होते हैं फिश। फिर आता है ग्रास होपर या कॉकरोच, उसमें स्पाइरकल और ट्रैकी होते हैं ब्रीदिंग के लिए। जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब में लंग्स होते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो इसमें भी नेचुरल है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब यहां पर कैसे होता है, इसमें भी ब्रीदिंग होता है। अब ब्रीदिंग कैसे होता है, जिसे बोल देते हैं गैसेस एक्सचेंज प्लांट में, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा की तरफ। आपने स्टोमेटा अभी बताए थे, स्टोमेटा से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है और एयर जो है एंटर करती है जब ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, आप जैसे पिक्चर में देखिए यहाँ पर बार्क है, छाल है, छाल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो रप्चर्स कर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लेंटिकल्स। इसमें से एयर हमारा सेल प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, दूसरा है सरफेस ऑफ रूट्स। देखिए डायग्राम में यहाँ पर रूट्स दिखाए हुए हैं जो बाहर हैं, वो भी आपका गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब एयर अंदर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, तो अब क्या होता है, अब रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को यूज करके क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आप दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, एक फोटोसिंथेसिस है और एक रेस्पिरेशन है, दोनों अलग हैं, दोनों ही होते हैं। आपसे कई बार पूछा जाते हैं कि हम कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेस में लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में नॉर्मली जैसे हम सांस लेते हैं ये भी ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इसमें ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो तीन आपको तरीके बताए ब्रेकडाउन के ग्लूकोज के। फिर आपको बताया कि कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, और फिर रेस्पिरेशन अदर एनिमल्स में कैसे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।